तो आज हम एक ऐसे उन्नतशील किसान के यहाँ पहुँचे हैं और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो नए नए किस्म की सोयाबीन, गेहूँ, चना, इनसे हट के जो कृषि कर रहे हैं उनको हम अपने ग्रुप के जो सदस्य हैं, किसान हैं, उनको ये चीज़ें बताएं। और आप हैं ग्राम खुशामदा, जिला सीहोर से, हमारे प्रसिद्ध किसान शोदान सिंह जी का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये लहसुन है और ये लहसुन का पहले तो नाम बताएं। अमरेठा बोलते हैं भाई साहब इसको, अमरेठा। अमरेठा तो ये कितने साल से लगा रहे हैं? 15 साल हो गए। 10 से 15 साल आपको हो गई है जी। तो कितनी क्वांटिटी, एक एकड़ में कितनी निकली? एक एकड़ में 35 से 45 क्विंटल। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा ये विशेषता है इसकी कि थोड़ा सा ठोस है या दूसरी? हाँ, कोई वेरायटी है? अच्छा, हमारी जमीन में तो ये सूट होती है। अच्छा, और अपन को इसी को लगा रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या रेट मिल जाता है? रेट भी भाई साहब अभी 2-1 साल से तो 8 से 9 हज़ार रुपये तक बेचा है। अच्छा, इस बार जरूर 4-5-6-7 हज़ार रुपये। तो जैसे इसको कलिए हम निकलवाएंगे तो इसमें मेहनत वगैरह ज़्यादा लगती होगी? बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी। जैसे आप किस तरह से इसकी कली बिखरा देते हैं? हम इसको धूप में डालेंगे। हाँ, ठीक है, 2-3 रोज धूप लग जाएगी। हाँ, ये हार्ड हो जाएगी कड़ा। हाँ, हाँ, अभी ये मुलायम है। हाँ, ये हार्ड हो जाएगी। हाँ, इसको पैर से हम तिरपाल के ऊपर हल्के हल्के से दबाते जाएंगे और सरकाते जाएंगे। फिर लेवल लगा के कहीं ज्वाइंट रह जाता है इसका। हाँ, उसको सिंगल अब फिर जैसे हम हाथ से लगवा रहे हैं तो इसके लिए मजदूर? अगर भाई साहब इसमें दो तरह के पहलू हैं, अगर लेसन 9 से 10 हज़ार रुपये का रेट है। हाँ, तो हम हाथ से लगवाते हैं। अच्छा, और 4 से 6 हज़ार का है तो हम मशीन से लग जाता है। यानी ट्रैक्टर की मशीन से इसको बो देते हैं? जी हाँ जी। और बोएंगे तो कितनी एक एकड़ में? एक एकड़ में 2.5 से 3 क्विंटल। अच्छा, तो ये 2.5 से 3 क्विंटल बोने में लगती है? मजदूर से? मजदूर से वही 2.5-2.5 क्विंटल। अच्छा, तो जैसा कि आप 8-9 साल से लगा रहे हैं और इस बार कितनी एकड़ में? इस बार भाई साहब 9 एकड़ में, 9 से 10 एकड़ का। अच्छा, जैसे हम इनको स्टोर करना चाहें तो यानी कि कितने दिन तक ये सुरक्षित रहती है, खराब? वैसे इसका समय तो अब ये 1-2 महीने और निकालेगा। अच्छा, फिर ये अपने आप पोछी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, तो अभी इसको जैसे उसमें रखा जाए स्टोर, कोल्ड स्टोर में रखा जाए तो सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो लगभग अब 1 साल तो होने जा रहा है। 1 साल तो चलता है। आप बेड देखिए ना, अभी बेड बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये है कि व्यापारी यहीं आते हैं या हमें मंडी ले जाना पड़ता है? मैं तो लगभग गांव से ही लेता हूँ। अच्छा, तो क्या उस टाइम क्या रेट मिल जाता है, इस टाइम क्या रेट चल रहा है? 6 हज़ार रुपये के रेट में अपन ने सीजन पे खेत में से दे दिया था। अच्छा, बारदाना भी उसका था, भरवाई भी उसकी थी, अपना तो खाली वजन लिखने वाला काम था। तो अब जैसे हम ये लहसुन की खेती कर रहे हैं तो जैसे बीड रहती है, पार रहती है, मैं पाल उनमें, वाली, उनमें कुछ लगा देते? पाल वाली खेती नहीं करता मैं, तो प्लेन बुवाई करता हूँ। प्लेन ही बुवाई करता हूँ। तो पानी किस तरह? पानी स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है। अच्छा, तो बाकी हमारे साथ में एक और किसान भी हैं जिन्होंने पिछले साल प्रथम बार लहसुन की खेती की है, तो कितना लगाया था और कितना निकला? जी, मैंने 1 क्विंटल लहसुन लगाया था मेरा गांव पे, मैं राजगढ़ ब्यावरा से हूँ, उसमें लगभग 18 क्विंटल लहसुन निकला है। इसमें से इस बार लक्ष्य मेरा कि लगभग 10 क्विंटल लहसुन मुझे अपनी ज़मीन में लगाना है, और उस 10 क्विंटल के लिए मैंने, हमारे उधर बीघा चलता है, इधर भोपाल ज़िले में एकड़ चलता है, राजगढ़ ज़िले में बीघा चलता है, तो लगभग 20 बीघे जगह में मैंने सोयाबीन नहीं लगाया था। उस टाइम जब पानी ट्रैक्टर जब चला उस टाइम मैंने 3 दान उसमें ट्रैक्टर निकला चुका हूँ, और अभी ये पानी तो कल परसों गिरा है, इसके पहले मैं लगभग 10 दिन पहले उसमें बक्कर घेर के आ गया था और अब तैयारी थी लहसुन लगाने की, लेकिन ये पानी गिर गया, तो अब डबल से बक्कर घेर के और उसमें मशीन से मुझे लगभग 10 क्विंटल लहसुन लगाना है। इसका समय भी भाई साहब अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट। इसमें कितने पानी हम इस पानी भाई साहब 12 से 15 पानी देते हैं। 12 से 15 पानी। अच्छा, खरपतवार वगैरह कुछ उसकी थोड़ी बहुत निराई गुड़ाई एक आध बार कर देते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ये एक औषधि है अपने आप में, और इसको कई लोग दो कली इसको सुबह गुनगुने पानी के
पहले खा लेते हैं चबा के और फिर उस पर से गुनगुना पानी पीते हैं। तो दूसरा ये है कि बहुत सारे प्रोसेस में ये काम आ रही है और इसलिए बहुत किसानों की इस तरफ रुझान गया है और लोग लगा रहे हैं और ये रखरखाव के लिए भी बहुत सुरक्षित है। और दूसरा ये कहेंगे कि आज हमारे भारत की आत्मा एक ये भी कहे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और किसान की आत्मा कृषि में बसती है। तो हम कृषि स्पॉट पे जीरो स्पॉट पे यहाँ आके और हम किसानों के बीच में इन चीज़ों को इसलिए सुटअप कर रहे हैं कि हम दूसरे ज़िलों में राज्यों में हमारे उन्नतशील किसानों को इस तरह प्रेरित करें कि क्योंकि ये एक अच्छी फसल है जिसमें प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होता है और प्रकृति का नुकसान इसलिए नहीं होता कि ये भूमि में अंदर होती है। तो आज हमारे कुछ किसान जैसे सोयाबीन है या गेहूं है ये प्राकृतिक आपदाओं से कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आज हमारे उन्नतशील किसान ग्राम खुशामदा से सोदान सिंह मीना जी ने हमें ये समय दिया, इसका पूरा नॉलेज बतलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।